जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मी बैंड 4 के बारे में। अब मी बैंड 3 के सक्सेस के बाद मी बैंड 4 में आपको कलर्ड ओलेड डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वो डिस्प्ले। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे इसका फुल ऑन रिव्यू कि क्या ये एक वर्दी सक्सेसर है मी बैंड 3 का, और आप कब इसे इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम टेक की बात, गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो किसी भी रिव्यू की तरह दोस्तों, यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं मी बैंड 4 के डिजाइन से। यहाँ पे फर्स्ट ग्लांस में तो आपको ये बैंड बिल्कुल मी बैंड 3 के जैसा ही लगेगा। स्ट्रैप वही है PU थर्मोप्लास्टिक के, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के हैं एंड ठीक वैसा ही है जैसा कि आपको मी बैंड 3 में देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंस क्या है अगर आप इसे मी बैंड 3 के सामने रखें तो, और जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, ये डिफरेंस आता है इस डिवाइस के डिस्प्ले में। जी हाँ, मी बैंड 4 में आपको मिलता है 0.95 इंच का AMOLED कलर डिस्प्ले, जिसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस जाती है 400 nits तक, जिससे कि इसकी जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो काफी बढ़िया आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ डिवाइस के डिस्प्ले में आपको 2.5D टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है एंड वो एक एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ आता है, जिससे इस वक्त मुझे इस पे कोई भी स्क्रैचेस नहीं देखने को मिले हैं। इसके अलावा इसको चार्ज करने का डॉक भी काफी डिफरेंट रखा है अगर आप इसको डायरेक्टली मी बैंड 3 से कंपेयर करें। लेकिन इसको चार्ज करने के लिए आपको अभी भी मी बैंड की तरह इसका जो स्ट्रैप है वो रिमूव करना पड़ेगा, और ये चीज दोस्तों कुछ लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और एक चीज है यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मी बैंड 3 मी बैंड 2 में होता क्या है कि भाई चार्जर को है ना संभाल के रखना, बिकॉज 15-20 दिन तक इसको चार्ज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, और उससे क्या होता है ना, चार्जर किस ड्रॉअर में रखा है, कहाँ रखा है, वो हम भूल जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, जो बैंड का जो स्ट्रैप है उसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। अब मी बैंड 3 में आपको वेंटिलेशन की कमी मिलती थी, और अगर आप गर्मी में पहने तो थोड़ा चिपचिपा हो जाता था, तो वो चीज़ दोस्तों सेम टू सेम इन्होंने मी बैंड 4 में ला करके दे दी। और इसी के अलावा अगर आप देखें तो इसका लॉकिंग मैकेनिज्म है वो हैवी वर्कआउट में कभी कभी हो सकता है कि खुल सकता है, और खुलते ही दोस्तों ये बैंड गिर जाएगा। तो वहाँ पर भी मुझे लगा कि जो बैंड है उसमें थोड़ा सा और इनोवेशन इन्हें दिखाना चाहिए था। अब ऊपरी तौर पे दोस्तों, Xiaomi ने इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो कई हद तक मी बैंड 3 के जैसा रखा है। वाटरप्रूफ डिजाइन एंड कॉम्पैक्ट ओवरऑल शेप आपको वही स्ट्रैप क्वालिटी के साथ मिल रही है। तो ओवरऑल डिजाइन में मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले से इंप्रेस्ड हूं, और वो इसलिए क्योंकि कलर डिस्प्ले मुझे मी बैंड 3 में मतलब थोड़ा सा मिसिंग लगता था ऑनर बैंड 4 के बाद, लेकिन अब आपको वो चीज मी बैंड 4 में मिल रही है जो कि काफी अच्छी है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर और इसके यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस बैंड में आपको मेजर हेल्थ रिलेटेड ट्रैकिंग फंक्शनैलिटीज मिल जाती है, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर हो गया, स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप काउंटर, और उसी के साथ साथ इस बार Xiaomi ने इसमें एक नए वर्कआउट मोड्स भी डाले हैं। और यहाँ पे Xiaomi ने दोस्तों सिर्फ और सिर्फ OS में वो एक्टिविटी मोड्स नहीं डाले हैं, इसके अलावा आपको एक 6-axis जो सेंसर है वो मिल जाता है, जिससे आपका जो बैंड है वो भी उन वर्कआउट्स को बखूबी ट्रैक कर सकता है। अगर आप वर्कआउट मोड में जाएंगे तो आपको अब बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आउटडोर रनिंग, ट्रेडमिल रनिंग, साइकिलिंग, और एक्सरसाइज मोड के साथ साथ आपको स्विमिंग मोड भी मिलता है, जिससे आप स्विमिंग करते वक्त भी यहाँ पे अपनी जो हेल्थ है, अपनी फिटनेस को ट्रैक कर सकते हो। वैसे अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो भाई आप बहुत ज्यादा फिट हो, मुझे भी स्विमिंग करनी चाहिए, और वहां पे इस बैंड को ले जाना और मतलब टाइम देख सकते हो यार कि स्विमिंग करते करते कितना टाइम हो गया। तो 3,000 रुपए में आपको ये सारी चीजें अभी इस डिवाइस में मिल रही है। तो ओवरऑल इसका स्टेप काउंटर मुझे बहुत बढ़िया लगा एंड ज्यादा डेविएशंस नहीं आए हैं जब हमने इसको दूसरे बैंड से कंपेयर किया है, एंड मी बैंड 3 के मुकाबले भी इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो साफ नजर आते हैं। इसके साथ साथ इसका जो स्लीप ट्रैकर है वो आपको ओवरऑल स्लीप टाइम दिखा देता है, और वहां पे आपको डीप एंड स्लाइट जो स्लीप होती है उसकी ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी भी आपको मिल जाएगी। अब इसके साथ साथ अगर एडिशनल फीचर्स की बात करें तो Xiaomi ने यहाँ पे जो डिस्प्ले है उसका भरपूर इस्तेमाल किया है। आपको वॉच फेसेस बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं डायरेक्टली मी फिट की ऐप में, और इसके अलावा आपको थर्ड पार्टी ऐप से भी एक्सटर्नल वॉच फेसेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बड़े ही कूल दिखते हैं। फर्दर आपको यहाँ पे अलार्म सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, आपको यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह का ऑप्शन मिलता है, और वेदर का जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले में देख पाएंगे। अब अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो डिस्प्ले में आपको मी फिट ऐप से
सारे के सारे मेजर एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब के नोटिफिकेशन इजिली मिल जाएंगे आपको। इनकमिंग जो कॉल हो उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाते हैं और यहां से आप अगर नहीं चाहें तो उस कॉल को एंड भी कर सकते हैं। अब अगर बैटरी की बात करें तो यहां पे आपको 135 mAh की बैटरी मिलती है जो कि नॉर्मल फंक्शनैलिटीज में कम से कम 10 दिन चल जाती है, मतलब ये 7 से 11 दिन तक चलती है। लेकिन अगर आप यहां पे चीजें जैसे कि कंटिन्यूस हार्ट रेट हो गए या फिर अगर आप ज्यादा वर्कआउट ट्रैकिंग करें तो उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी है उसकी लाइफ में फर्क पड़ता है और फिर ये लगभग 3 से 5 दिन तक आप इसकी बैटरी लाइफ देख सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने मतलब ऑब्वियसली डिस्प्ले के कारण मी बैंड 3 मी बैंड 2 के मुकाबले यहाँ पे बैटरी लाइफ कम है, लेकिन फंक्शनैलिटीज आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो वेट उन्होंने ओवरऑल सेम रखा है, उसके कारण जो बैटरी साइज है वो भी यहाँ पे नहीं बढ़ाई है। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे मी बैंड 4 एक बहुत ही अच्छा वेलकम चेंज लगा मी बैंड 3 के मुकाबले। और यहाँ पे जो प्राइसिंग इन्होंने रखी है, अभी तक इंडियन प्राइसिंग तो रिवील नहीं हुई, लेकिन अगर आप इसे चाइना से मंगाते हो तो लगभग 3000 रुपये का पड़ता है। कैश ऑन डिलीवरी भी आजकल दोस्तों आपको मिलने लगी है बैंगलोर से, तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो अभी तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे डायरेक्टली दे दूंगा लिंक और एक कूपन कोड भी है जिससे आपको यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट मिल सकता है। इसी के अलावा दोस्तों अगर मैं अब इसे खरीदने की बात करूं तो आप इसे बेशक खरीद सकते हो, लेकिन Honor Band 5 भी बहुत जल्द आने वाला है तो उसका रिव्यू और उसका कंपैरिजन हम करेंगे Mi Band 4 के साथ, तो उस वीडियो का भी दोस्तों आप वेट करिएगा। वैसे ये जो सेटअप है आप जो हम लोग देखते हो बहुत दिनों से देखते आ रहे हो, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको लग रहा होगा कि यार सेटअप थोड़ा चेंज हुआ है, तो जी हाँ हम थोड़े से ब्राइट सेटअप में जा रहे हैं, पीछे थोड़े बहुत और चेंजेस आएंगे बट दिस इज अ वेलकम स्टार्ट। तो आपको ये सेटअप कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।